आज सुबह हरिद्वार में हुए ऋषभ पंत के सड़क हादसे के अलावा कल देर रात नैनीताल मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर कालाडुंगी रोड में बजून के पास एक रेनॉल्ट कार आग के गोले में तब्दील हो गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में ये धू धू कर जल उठी और खाक हो गई, जिसकी सूचना फायर स्टेशन नैनीताल को दी गई, जिसके बाद फायर टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया गया। आग से वाहन जलकर स्वाहा हो गया था, हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार कार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले निवासी मुस्तफा फरमान चला रहे थे। कार में उनकी पत्नी उनके साथ बैठी थी। दोनों पर्यटक नैनीताल घूमने के लिए आ रहे थे, तभी चलती कार में अचानक आग लग गई। हादसे में कार में सवार दंपत्ति पर्यटक ने किसी तरह कार से निकलकर अपनी जान बचाई। हालांकि मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए बीडी पांडे अस्पताल पहुंचाया।